Assalamu alaikum students, hope you all are fine and safe at your homes. Let's start our grammar work today. Okay students, now open your grammar book. Open page 173, letters. आज हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेटर को स्टार्ट करने से पहले लेटर का मैं आपको फॉर्मेट बताती चलूँ कि लेटर का फॉर्मेट क्या है। लेटर का फॉर्मेट ये है कि आप लोगों ने लेटर को स्टार्ट जो है वो बिल्कुल अपने लेफ़्ट साइड से करना है, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ पर आप लोग मार्जिन लाइन लगाते हैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप लोगों ने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आप लोगों ने लगा देना है कॉमा। आफ्टर देन आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में लिखना है सिटी। अब सिटी यहाँ पर स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, लेकिन आप लोगों ने लिखना है रावलपिंडी और उसको आगे फुल स्टॉप लगा देना है। नीचे आप लोगों ने लिखनी है डेट। डेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आप जो भी चाहें फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आप इसी को फॉलो कर लें तब भी ठीक है, कि जो भी आज की डेट होगी, जैसे कि आज है 29, आज है 30 जून, आप लोगों ने 30 जून लिखनी है यहाँ पर, और कॉमा डाल देना है 2020 लिख देना है। अब यहाँ पर आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखने होगा माय डियर फ्रेंड या उसका नेम, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर जो भी आप लोगों का टेक्स्ट है आप लोगों ने लिख लेना है। उस टेक्स्ट को कंप्लीट करने के बाद जहाँ से आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल लिखना स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं से मार्जिन लाइन के साथ आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पर आप लोगों ने योर सिंसेयरली या योर लविंग डॉटर या योर लविंग सन, जो भी होगा आप लोगों ने वो लिखना होगा और कोमा डाल देना होगा। और नीचे आप यहाँ पर लिखा हुआ एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जेड फुल स्टॉप, लेकिन आप लोगों ने अपना नेम लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू लेंड यू हिज कैमरा। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, रावलपिंडी, डेट, माय डियर फ्रेंड आदिल, माय डियर आदिल, आई एम गोइंग टू मरी विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ, खानदान के साथ मरी जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेक सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल वैली। मैं इस खूबसूरत वैली की कुछ वैली कहते हैं वादी को, मैं इस खूबसूरत वादी की कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ। माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा कैमरा जो है वो ख़राब हो चुका है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू कुल लेंड मी योर कैमरा फॉर अ फ्यू डेज। लेंड का मतलब होता है उधार देना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपना कैमरा उधार दे देंगे। आई शैल यूज़ इट केयरफुली, मैं से एहतियात से इस्तेमाल करूँगा। आई शैल रिटर्न इट एज सून एज आई कम बैक, ऐसे ही वापस आऊँगा, जल्द अज जल्द आपको वापस करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, योर सिंसियरली, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। की कॉपीज पर लिखना है, और साथ में सिर्फ लिखना नहीं है याद भी करना है, और लेटर का फॉर्मेट भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और इसको आप भूलना नहीं है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।